हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपका आईटीआर का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है और अभी तक आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं एंड क्या नोटिसेस आई होंगी जिसकी वजह से आपका रिफंड अटका हुआ है। सारी चीज़ें इस डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले देख लेते हैं हमने जो फाइलिंग किया हुआ है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ई फाइल सेक्शन में जाएंगे और व्यू फाइल रिटर्न्स हम पे क्लिक करके हम एक बार जस्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 23/24 का आईटीआर हमने फाइल किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिफंड केप्ट ऑन होल्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 इज इशूड प्रपोजिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड टूवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डिमांड। मतलब आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड है जिसके एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे बेसिकली आपका रिफंड जो है होल्ड किया हुआ है और आपको इंटीमेशन 245 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग डिमांड एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम जाएंगे पेंडिंग एक्शंस में, पेंडिंग एक्शंस में रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे डिमांड दिख रहा है 2021 का एंड 2018 का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें ये चेक करना है कि जो डिमांड है वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट नहीं है तो हमें डिसएग्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार जस्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आप इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, इंटीमेशन 143(1) ही ओपन होता है। ठीक है, तो वो आपको ओपन कर लेना है। देखो डिमांड नोटिस जो है ना वही ओपन किया हुआ है मैंने। इसका पासवर्ड क्या रहता है, आपका पैन कार्ड नंबर स्मॉल में एंड डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन आपको डालना है और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है जहाँ पे पूरी समरी यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, जो यहाँ पे आ जाता है आपको प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर ने क्या डिटेल्स प्रोवाइड किए थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कंप्यूट किया हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस जो है अंडर सेक्शन 234 5000 का चार्ज किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइबिलिटी बढ़ गई है 1,17,000 हो गई है। TDS 1,12,000 क्रेडिट कटा हुआ था बट उसकी वजह से 4980 का डिमांड आ गया। क्यों? क्योंकि आपने आईटीआर लेट फाइल किया था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार जस्ट एक्नॉलेजमेंट चेक करूंगा क्या मैंने सच में आईटीआर लेट फाइल किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार असेसमेंट कौन सा 21/22 का एक्नॉलेजमेंट मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्नॉलेजमेंट कैसे ओपन करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, व्यू फाइल रिटर्न्स देखना है और वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट या 21/22 मैंने ओपन कर लिया है, ITR 1 फाइल किया गया था लेकिन यहाँ पे बिलेटेड रिटर्न फाइल किया गया था। और जब आपने फाइल किया था ना, फाइल करते वक्त ही यहाँ पे देखिए 4980 का डिमांड था, आपको बेसिकली पे करना चाहिए था बट आपने पे नहीं किया इसलिए डिमांड आ गया। तो मतलब ये डिमांड करेक्ट है, आपने लेट फाइल किया था, आपको लेट फीस भरना चाहिए था, आपने नहीं भरा है इसकी वजह से डिमांड है। तो ये डिमांड करेक्ट है, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से भी पे कर सकते हैं। सबमिट रिस्पांस करने जाएंगे तो वहाँ से भी पे कर सकते हैं। तो पहले नाउ वाला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सबमिट रिस्पांस का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। नाउ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाउ का ऑप्शन वापस आ जाता है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जितने भी डिमांड है सारे यहाँ पे दिख जाएंगे बट आपने फर्स्ट वाला डिमांड चूज करके नाउ किया था इसलिए फर्स्ट वाला सिलेक्टेड है। हम सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाइफर्केशन आ जाएगा, टैक्स अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है एंड आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे NEFT, RTGS सारे वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है यूज़ कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आना है आउटस्टैंडिंग डिमांड में। यहाँ पे आपको सबमिट रिस्पांस का ऑप्शन दिख जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिस्पांस फ्रॉम SSC करके आता है, यहाँ पे आपको करना है डिमांड इज करेक्ट, अगर आपके हिसाब से डिमांड करेक्ट है। ठीक है, आपको और भी सारी चीज़ें चेक करनी है और आपको प्रॉपरली एक बार देखना है कि डिमांड करेक्ट है या नहीं। डिमांड अगर करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, आपको करेक्ट पे क्लिक करना है। वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री विद डिमांड, यहाँ पे लिखा है तो हम जिसको भी टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यस ऑलरेडी पेड एंड चालान हैज सीन बेसिकली। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनर हेड पूछा जाएगा, वो आपको डाल देना है जो कि चालान पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, BSR कोड डालना है, सीरियल नंबर, आपने कभी पे किया वो डालना है और यहाँ पे रिमार्क डालना है कि आपने पेमेंट कर दिया है और चालान का डिटेल्स बेसिकली यहाँ पे चालान की कॉपी जो होती है वो अटैचमेंट में करके चालान की कॉपी अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये जो तब होगा जब आप एग्री करते हैं कि आपने डिमांड है जो करेक्ट है और आपने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे के आपको सबमिट कर देना है। बट क्या होगा कि आपने अभी तक चालान पे नहीं किया। ठीक है, तो मैंने बोला था ना जब आप सबमिट करने जाएंगे तब भी आप पे कर सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे ना यहाँ पे नॉट येट पेड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखेगा, इंटरेस्ट दिखेगा और टोटल अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करके फिर सेम प्रोसेस है, आप पे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।
पे करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब पे जैसे ही पे करेंगे ना उसके बाद यहाँ पे चालान के डिटेल डालने पड़ते हैं, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आप डिसएग्री करते हैं डिमांड से तो क्या होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। बाई एनी चांस कि आप डिमांड से डिसएग्री करते हैं तो क्या करना है आपको, अब वो आपको ऊपर जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपने डिमांड इज करेक्ट किया था वहाँ पे डिसएग्री विद डिमांड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रीजन पूछेगा, ऐड रीजन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको बहुत सारे रीजन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो रीजन आपके लिए सुटेबल है वो रीजन आप सेलेक्ट कीजिए। बाई एनी चांस कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो एकदम नीचे आएंगे ना तो अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद कुछ कुछ एसेसीज होते हैं ना, कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे डिमांड पे ही नहीं करना, ठीक है, मैंने रिफंड क्लेम किया हुआ है और आप डिसएग्री कर दो और मेरा जो डिमांड है वो रिफंड से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली जो डिमांड दिख रहा है अगर करेक्ट है तो उसको पे कर देना चाहिए। बट यहाँ पे ये जो क्लाइंट है ये बोल रहे हैं कि मुझे पे ही नहीं करना, ठीक है, मैंने बोला पेमेंट कर दो बट वो बोल रहे नहीं पे ही नहीं करना, आप डिसएग्री करो और वहाँ पे आप चाहो तो लिख दो कि जो हमारा रिफंड आने वाला है उससे एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये उनके बेसिस पे कर रहा हूँ मैं, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी डिमांड आपका दिख रहा है अगर वो करेक्ट है तो उसे पेमेंट कर दें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम रीजन पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे अदर सेलेक्ट किया था हमने, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और सीधा हम लिख देंगे कि हमारा जो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा डिमांड है ये उसको आप रिफंड वाले अमाउंट से एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ये सही तरीका नहीं है, बट आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है अगर डिमांड करेक्ट है तो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे अदर रीजन डाल दिया ना तो आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट पेबल पे जीरो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सीधा सबमिट कर दूंगा, सबमिट करके यहाँ पे कंफर्मेशन वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें हम कंफर्म कर देंगे और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है उसको मैंने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया उसका रिस्पांस, ठीक है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे रीसबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि मैंने सबमिट कर दिया प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप रीसबमिट करना चाहें तो आप रीसबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था बेसिकली, सबमिट करना था आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, क्योंकि अगर आप सबमिट नहीं करेंगे ना तो वो जो रिफंड है ना वो प्रोसेस ही नहीं होगा, और बाई एनी चांस अगर आपने डिसएग्री कर दिया है तो चांसेस है कि जो आपका डिमांड है वो आपके रिफंड से एडजस्ट कर दे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कर देना है, जैसे ही आप ये कर देंगे आपका रिफंड प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका आईटीआर का प्रोसेसिंग तो हो गया, ठीक है। रिफंड वाला प्रोसेसिंग जो पेंडिंग था वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिफंड जो है जल्दी जल्दी आ जाएगा, हो सकता है कि पूरा आ जाए या फिर हो सकता है कि जो हमने यहाँ पे डिसएग्री किया है वो अमाउंट डिडक्ट करके आपका रिफंड आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है बेसिकली और रिफंड क्यों पेंडिंग था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।